नोएडा शहर के सेक्टर 46 में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में सोमवार को नवमी पूजा के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गार्डन गैलरी की तरफ से भव्य पंडाल में आकर्षक देवी मां की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। विभिन्न पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ साथ कार्यक्रम को देखने पहुंचे। दुर्गा पूजन में महिलाओं ने मां की आराधना कर बच्चों और परिवार की खुशी की कामना की। इस बार नोएडा के सेक्टर 46 में आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव समितियों की तरफ से इको फ्रेंडली पूजा पर जोर दिया गया है। साथ ही बच्चों और बड़ों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस बार प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष ध्यान दिया गया। संगठन मातृशक्ति के बारे में बताते हैं हम लोग कि हम लोग संगठित होकर है तभी उसमें शक्ति है। तो अगर हम लोग संगठित हो, भारत में अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन अगर सभी लोग जब एक सोसाइटी में रहते हैं और मिलके करते हैं तो इतना बड़ा आयोजन का संभावना हो सकती है, जिसमें कि बच्चों को, लेडीज जो भी है, वो लोग सभी को लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो लोग अपने परफॉर्म करते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिखेगा क्विज में, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, कल्चरल प्रोग्राम में, गरबा में, जो पहले कभी नहीं किए थे वो लोग कर पा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे ये माता का पूजा है, इसके बारे में लोगों को कल्चर नहीं पता लग रहा है। जो केरला से है, आपके साउथ में कर्नाटक से लोग हैं, तमिलनाडु से, वो लोग का परिवार आके हम लोग से पूछते हैं कि कैसे पूजा होती है। वो बंगाली कल्चर वालों पूरा पूजा कर रहे हैं, उसको समझते हैं। और सारे लोग काफी उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सारे लोगों को हम कल्चरल के माध्यम से इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। और माँ दुर्गे की पूजा आराधना भी बहुत विधि विधान से की जाती है, इसलिए सारे लोग मिलके इसको उत्साह पूर्वक इस त्योहार को मनाते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग देखते हुए, स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए हम लोग ग्रीन पूजा कर रहे हैं। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी प्लास्टिक, नो थर्माकोल्स। जिन्होंने स्टार्ट किया वो बंगाली थे, उन्होंने आर्या कल्चर एसोसिएशन बनाया, उन्होंने स्टार्ट किया, उनके इस इंस्टीट्यूट को हमने आगे बढ़ाया, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर हम जुड़ते गए, झारखंड के, उड़ीसा के, गुजरात के, बॉम्बे से, बहुत लोग जुड़े।